असल नाज़रीन, मैं हूं वगाद बुट, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान में हुकूमत बन चुकी है। नाज़रीन, पहले जैसे पीडीएम 1 थी, अब है पीडीएम 2। आया कि अब क्या ये महंगाई को पीपल पार्टी और नून लीग ख़त्म कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, अवाम से पूछते हैं उनकी राय। हाँ जी आंटी जी, कैसे आप? ये बताएं कि इस टाइम शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आज़म बन गई है, पीपल पार्टी भी आ गई है, नून लीग भी आ गई है, क्या ये मुल्क को संभाल सकेंगे? नहीं संभाल। वो कैसे? इनमें कोई क्वालिटी नहीं है तो लूट के बाहर ले जाते हैं, फिर मोटरें बनाई है, इनको रेंट मिलते हैं, किराए आते हैं, पैसे इनका प्रॉफिट होता है, बीच में इन्होंने क्या करना है ना फिर? आपको मतलब ये नहीं लगता कि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते? नहीं करना है ना, वो और महंगा करेंगे, ये कंट्रोल कुछ नहीं करना। आके उन्होंने साथ बड़ा बिजली बैदी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, इन्होंने क्या सस्ता करना है? पासपोर्ट का रेट भी बता दिया। कागज ही नहीं है पासपोर्ट का, मैंने अपने पोते का बनवाना था तो कह रहे 4 महीने बाद आएगा, कागज ही नहीं है हमारे पास। तो फिर आप ये कह रही हैं कि ये नहीं कंट्रोल कर सकेंगे, तो फिर वोट क्यों दिया इनको? मैंने नहीं किया। नहीं दिया? किसको दिया? मैंने पीटीआई को दिया। पीटीआई को दिया? हाँ जी। तो पीटीआई अगर आ जाए तो वो कंट्रोल कर सकेगी? नहीं, अगर वो कंट्रोल नहीं भी करती कम से कम वो लूटेगी नहीं। अच्छा, क्योंकि हालात तो इस तरह के हैं कि कैसे नहीं लूटेगी? उसका कुछ है ही नहीं, पीछे उसका कोई नहीं है। अच्छा, बच्चे इसका तो कुछ है ही नहीं बेचारे का, उसका अपना लालच नहीं है। ये है वो जैसा भी है, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो ना मुखलिस बंदा है। ये लूटते हैं? ये लूटते हैं। वो कैसे? वो इनकी इन्होंने 3-3 लाख के पर्स पकड़े होते हैं, 4-4 लाख का सूट पहनना होता है, 2-2 लाख के शूज पहने होते हैं, तो और क्या लूटना होता है? आम बंदा पहन सकता है 1 लाख का सूट? वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज इस टाइम महंगाई को खत्म करने के लिए ना हर शहर में आ जाएंगे टीवी से। अब वो ना एक बनी है वजीर आला पंजाब, उसको चाहिए कि अपनी डिसेंट पर्सनैलिटी रखे। वो ऐसे आती है जैसे स्टेज पे दुल्हन बन के बैठना है उसने, बंदे के पाउडर नहीं लगाने के लिए, वो पूरा पोछा फेर के आ जाते। खूबसूरत है तो आप पांडी जी जेलस तो ना हो ना? जेलस कहां से थी, मेकअप करके बाग ने खूबसूरती दी है मुझे, कर दे मैं उससे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। नहीं ऐसा ना बोले। नहीं बोलूंगी, बोलूंगी क्यों नहीं। आपकी कितनी उम्र है? मेरी जितनी भी है छोड़ो। मरियम नवाज 35 साल की है? 70 साल की है? उसकी 60 साल है। नहीं, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा आ गई हैं, क्या महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? करेंगे, जितने उम्मीद है ये पूरे करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम नजर आएंगे, पहले 1.5 साल गुजारा है, पहले 1.5 साल गुजारा है शहबाज शरीफ साहब ने, वो सारे उनके थे सारे में, जो अब इनको अपनी हुकूमत करनी है अब वो ठीक होगा काम। हम मतलब महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? कंट्रोल करेंगे, जरूर करेंगे। देखो भी आ गई है, बहुत अच्छा काम कर रही है उन्होंने, आपने साथ ही माशाल्लाह हॉस्पिटलों में सारा कुछ करना सीधा कर दिया, कर दी महंगे मतलब मेडिसिन फ्री कर दी है न्यू हॉस्पिटल में, जो बाहर के जितने भी वो ले आए हो? नहीं लेके नहीं आए, फिलहाल कह रहे हैं वैसे। नहीं, हाँ जी, मतलब आपके नज़दीक ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? जो ये बातें कर रहे हैं तो ये उसको पूरा करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है करेंगे। क्या लगता है आपको, ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? पहले नहीं कर सके थे, आगे कर लेंगे। ये भाई कह रहे हैं कि इसको क्या, इसका वोट ही नहीं बना, मेरा बना ही नहीं वैसे भी वोट, ये भाई का हौसला, उसका वोट ही नहीं बना, भाई के लिए कह देते हैं कि हो जाएगी सही है, वैसे नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, आवाम को लूटेंगे बाद में। अच्छा, भाई जहाज बाद में चले जाएंगे। अच्छा, मार्केटों में अब रश भी है, पहले ये रश भी नहीं थे इस तरह के, महंगाई कम हुई है, सैलरियाँ लोगों के हर चीज का काम दोबारा। गवर्नमेंट आ गई है, शबाशी साहब भाई आ गई है, हुकूमत बन गई है, क्या ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे आप? मेरी जान, आते से तो उन्होंने बम ब्लास्ट किया, जो अपना उसके ऊपर बिजली के ऊपर 7 रुपए 13 पैसे बढ़ाए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? उन्होंने तो कहा था कि हम लोग आएंगे मुल्क की बेहतरी के लिए आ रहे हैं, आते से 4 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया है, वो कौन बढ़ाएगा, कौन किसने किया है? अब वो भी डाल दें, वो भी डाल दें इमरान खान पे डाल दें। अब बात आवाम का जीना आराम हुआ, किचन में चिकन के पैसे नहीं पूरे हो रहे, जो किचन में काम करते औरतों को पता नहीं चल रहा था, अब आके ना होड़ महंगाई हो गई आवाम को, ये बुरा हाल होना है। अभी देखना आगे कि रमजान आ रहा है, रमजान में होड़ महंगाई होनी है। मरियम नवाज कह रही है कि हम स्टूडेंट को नमाज कह रही है, मरियम नवाज देश हो गई है, वो मरियम नवाज क्या करेगी जब मुल्क का सत्यानाश इन्होंने गंजो नहीं किया, आके बाहर भागा था, क्यों भागा था बाहर, क्यों भागा था? I like it. यही बात है, बाहर के मुल्क इसलिए भागा है वो, नहीं उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब नहीं थी, आवाम का पैसा लेके भागा था वो बाहर के मुल्क, प्लेनेट्स कम हो गए थे? नहीं नहीं, प्लेनेट्स कोई कम नहीं हुए थे, पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता था भाईजान? हो सकता है सारा कुछ इलाज, कोशिश कर रहे हैं अस्पताल यहीं पे बनेगा भाईजान, कुछ नहीं हो सकता जब तक ये इन्होंने बम अभी और गिराने हैं, महंगाई थी। आप
अब नहीं मरने वाला हो रहा वो, और कुछ बेहतर है। मेरी बात सुने, गंजे का इलाज के इंग्लैंड में ही है, वो कोई अरशों का तारा है, बगैरत इधर अपना इलाज करवाए ना। अब नहीं, उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे, अब ये शहबाज शरीफ के, अब नहीं उसको ब्लड कैंसर। अब वो लस्सी पी रहे हैं तो तबीयत सही है भाई, लस्सी अब वो पी रहे, नोट जा रहे हैं ना अंदर, अब रुपया जा रहा है हमारा, खून पसीना जा रहा है। कि अभी इमरान खान की भी तबीयत खराब हो रही है। इमरान खान से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमने मौजूदा काम है ना वो बात करनी है। देखे हमारी शरीयत कहती है, हमारा हम मुसलमान है ना, इस्लामी मुल्क है, हमारा कुरान कहता है कि जिस घर की या जिस मुल्क की जिम्मेदारी लेडीज पे आ गई ना, उसको आप तबाह बर्बादी से नहीं रोक सकते। तो ये मरियम नवाज जो है लेडीज ही है, कोई खुसरा तो नहीं है या बंदा तो नहीं है। तो आप मेरे के लिए आप रिलीजियस को मजहब को नहीं लेके आ सकते, लेकिन बेनजीर भुट्टो भी तो वजीर आजम थी, तो उस टाइम भी हम तबाही में थे। बेनजीर के दौर में भी हम तबाही की तरफ ही गए। समझ आ रही बात? ठीक है, 3 लाख रुपया लगाया अपनी सर्जी का, मुंह की सर्जी का, मुंह का सर्जी का इलाज करा के। वो पहले खूबसूरत है अंकल जी, खूबसूरत नहीं है। आप उसकी खूबसूरती के ऊपर बात ना करें भाईजान, मैं कह रहा हूँ खूबसूरत है वो, सूरत नहीं है वो, लान में पड़ी हुई है, लान में पड़ी हुई है। अगर आपकी बूढ़ी खूबसूरत नहीं है तो आप उसके ऊपर बात, भाईजान वो लानत है उसके ऊपर, हजारों बार लानत है। कैप्टन सफदर भी कम नहीं था, वो बुढ़ापे में आ गया है, तो मरियम नवाज उधर की उधर ही है यार। चोरों का ये पूरा खानदानी चोरों का, ऐसे चोर है, भले है चोर है, साबित कर सके हैं चोर है। इनके इनके क्लास फेलो मिले कुछ दिन पहले, हमने उनका इंटरव्यू सुना, वो कहता है चोर है सी, वो कह रहे चोर है, वो लोया चोर थे, कमी कमीन थे, आज वो रईस आजम बने हुए। इतवार बाजार में जाते हैं उधर मक्का मदीना में, वहाँ पे लगी है चोर आया चोर आया चोर आया, मक्का मदीना में जाके उधर बात होगी और पीछे क्या रह गया। नहीं आपको मक्का मदीना में तो ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे, पाक सरजमीन ने उस वहाँ पे हमारे बयान हो रही है ना, हकी आप चोर हो तो आपको चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जो लू लीक वाले आपको हमें खाने को नहीं देते, हमें खाने को नहीं देते, जब महंगाई हुई है सबकी अवाम को पता तो चल गया, अब हम कराया, अभी रमजान आना, रमजान में होर महंगाई होनी है। सही है, ये 100 रुपए की मैं हलीम लेके आया हूँ, अब आपके सामने ये 100 रुपए की हलीम है, ये कौन कहता है ये 100 रुपए की है, इतनी 100 रुपए की होती है ये 200 की होनी चाहिए। नहीं भाईजान 200 की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा है, 50 की लेते थे, 50 की इतनी आती थी, अब 100 रुपए की होगी। 6 बंदे खा सकते हैं भाईजान, 6 बंदे नहीं, एक बंदा बड़ी मुश्किल से खा सकता है। ये हुकूमत कहती है गुजारा करें, आप मुल्क के हालात खराब हैं। नहीं नहीं, हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत कहती है अवाम को रिलीज देना चाहिए। वोट किसको दिया था खान ने? वोट मैंने इमरान खान को वोट दिया, मैं उसको ही लैक करता हूँ, वो उसने सेहत कार्ड बना के दिया 7,20,000। घड़ी चोर कह रहे हैं खान को, वो कह रहे हैं घड़ी चोर नहीं है, जो आपको तोहफा मिलता है आप बेच सकते हो। वो ये नवाज शरीफ क्या करता है, ये लोगों के पैसे जो लेते हैं इकट्ठे करते हैं, अब जो कह रहे हैं मुल्क तबाह हो गया, मुल्क क्या, इमरान खान की हुकूमत 150 रुपया पेट्रोल था, इन्होंने आगे होल महंगाई कर दी है। मरियम नवाज आ गई है, वजीर आला बन गई है, आप उम्मीद रखें, दुआ करें कि वो अच्छा डिलीवर करें। हाँ कुछ नहीं होना, नहीं उन्हें सारा पैसा संभाल के बाहर के मुल्क भेजना है। किधर भेजना है? और खेत मिट्टी बांटने में जरा जाता है, रमजान में रोजे की हालत में जाता ना, वो रोजे की हालत में जो जाता ना वो बाहर जाके ना, वहाँ रोजे की हालत में बेहोश हो रहे हैं, नाहल करी जा रहे हैं।